हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे तो स्पेशल डे होता ही है हम हाउसवाइफ के लिए। तो आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग, यानी कि अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे ये कपड़े हमारे रखे हुए थे जो हमने सैटरडे को यानी कि कल धुले हुए थे, तो वो शाम को उठा के रख दिए थे और फिर शाम को मन नहीं किया इन्हें फोल्ड करने का, तो अभी कर लेते हैं। और सुबह मैंने सबसे पहला काम यही देखा, पहले कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने वही मेरा पुराना तरीका है कि अपनी चुन्नी में बांध के और रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और अब मैं उतार लेती हूँ सोफ़ा वगैरह के कवर, क्योंकि मुझे आज कपड़े भी धुलने हैं, बेडशीट वगैरह ये सारी चीज़ें धुलनी है। और यहाँ पे मैंने अपने रख दिए हैं कपड़े फोल्ड करके, जो बांध के रखे हुए हैं वो रख दिए हैं साइड से। और चलो चलते हैं और अभी उतार लेते हैं बेडशीट कवर वगैरह। और ये हैं इनके कपड़े। और आज मुझे ना बहुत ही ज़्यादा काम है, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी धुलने हैं, इनके कपड़े भी धुलने हैं। और वैसे डेली कपड़े धुलते ही हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हैं बेड शीट वगैरह। और आज पतिदेव की जेब से मिल गए हैं मुझे पैसे, तो चलो थोड़ा बहुत हाथ भी लगा देते हैं। और चलो रख दिए हैं उठा के, फ़िलहाल उनके पैसे मेरे पैसे हैं तो एक ही, तो उनके भी कपड़े धुलने। और यहाँ पर मैं उतार ले रही हूँ कवर वगैरह, और चलो इन्हें भी धुल देंगे आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने उठा के और इकट्ठे कर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे कवर वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। और ये देखो, अब ना यहाँ से मैं गद्दा उठा के और बाहर रख दूंगी, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो मिट्टी और गंदगी वगैरह गिरेगी, तो ऐसे मैं निकाल के बाहर रख। और अभी परी, हर्षु और हर्षु के पापा वगैरह ये सब लोग सो रहे हैं, आज ये संडे मना रहे हैं, इनकी संडे की छुट्टी है, तो चलो इन्हें सोने देते हैं आराम से। कितने बजे तक सोते हैं? 7 बजे से ज़्यादा नहीं सोएंगे ये लोग। और यहाँ पे तब तक मैं समेट ले रही हूँ अपना काम, और परी आ जाएंगी तो फिर थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। और वैसे भी वो मतलब सो के उठती है तो परेशान करती है, और जब तक वो सो रही है तब तक मैं कर ले रही हूँ अपनी साफ़ सफाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है, मतलब बेड वगैरह अपना खाली कर दिया है। और ये जो अलमारी में पड़ा हुआ है वो भी मैं रख दे रही हूँ साइड से। और अभी फ़ैन भी बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि जो धूल मिट्टी उड़ेगी तो फिर सारे में हो जाएगी। और ये अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ जाला, और जाला तो दूसरे तीसरे दिन ऐसे हो जाता है पता नहीं, और ऊपर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं ऐसे चढ़ के कर रही थी, और तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जाला वगैरह साफ़ हो गया है और मैंने फ़ैन भी कर दिया है। और अब इधर कर ली, उन्हें निकाल के मैं बाहर रख दे रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ेगी इन पे। और इधर मैं सोफा पे चढ़ के और इधर भी जाला साफ़ कर ले रही हूँ। और सबसे ज़्यादा ना कोनों में जाला लगता है और इधर उधर तो कम ही लगता है, तो जाला हमारा हो गया है साफ। और आज मुझे बदलनी है ये, इधर की सफाई करनी है। और ये पॉलीथीन है जो पन्नी है वो मतलब बहुत पुरानी हो गई है हमारी, इसे मैं चेंज कर दूंगी। और मेरे पास वैसे भी रखी हुई है, हमारी किचन में ऐसे बची है, और इतनी सारी आ गई कि किचन में भी लग गई और बची भी है। और आज मैंने इसे यूज भी कर लिया और फिर भी बची हुई है, तो अब उसे रख दे रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने और इसमें लगा ले रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि ये चारों तरफ जो कोने होते हैं तो इनमें जाला सा हो जाता है छोटा छोटा, तो वो मैं लगा ले रही हूँ। और ये देखो हमारी प्लास्टिक सीट। तो फ्रेंड्स, इसे मैं बीच से कट कर लूँगी और फिर डाल देती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि कैसी वीडियो है, क्या कमी है, आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो। और जो लोग हमारे चैनल को
बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ मैंने बिछा ली है पन्नी और अब रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सारा सामान अपना रख दिया है और ये देख सकते हो अपना सारा सामान मैंने पहुँच के रख दिया है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट मैं कर ही रही थी कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों की साथ की सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैंने ये मतलब चैनल स्टार्ट किया है तो मैं सोचती हूँ सक्सेस हो ही जाऊँ और अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिछा दी है मैंने प्लास्टिक सीट और ये देखो अब जो बूफर वगैरह हमारे रखे थे उन्हें भी मैंने साफ करके और इसी में रख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लगा और यहाँ मेरे हर्षू भी आ गए हैं और वो भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो ये मेरे गद्दे बिछ और यहाँ पे हमारा बेड और अलमारी वगैरह सारा कुछ सेट हो गया है। तो अब कर ले रही हूँ मैं और यहाँ हमारा सारा कुछ सेट हो गया था तो सोफ़ा की भी क्लीनिंग कर ली थी क्योंकि उसमें जो चूहे वगैरह मतलब उन्होंने काट दिया है उसे थोड़ा सा, तो मैंने पीछे से उसे पूरा झाड़ पहुँच दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ तो ये बिछा देती हूँ बेड शीट। और बेड शीट क्या बच्चे 4-6 दिन ही चलने देते हैं। और तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा रूम और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। और ये परी के रखे हैं खिलौने, बस अभी तक ही रखे हैं, जब तक परी हमारी अभी नहीं आई है ऊपर और परी आ जाएंगी तो आप लोग देख सकते हो इधर से उधर फेंक जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा रूम आप लोगों को कैसा लगा है। और यहाँ पे हो गई है रूम की क्लीनिंग तो चलो चलते हैं। और अब मैं आ गई हूँ नहा के और ये देखो बाल्टी भर के धोए हैं मैंने कपड़े क्योंकि बेड शीट वगैरह और सोफ़ा के कवर वगैरह ये सारे मतलब कपड़े हो गए थे। और ये मैंने अपना डोर मेट भी धुल के डाल दिया है और हाथ का पंखा है, ये सारे सामान सारे कपड़े मैंने धुल के अभी डाले हुए हैं और अब चलो इन्हें सुखाने डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आज काम करते करते बज गए थे 11:30 और टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे चलो कपड़े भी धुल गए हैं और वैसे नाश्ता पानी वैसे चाय नाश्ता हो गया था और अभी खाना पीना नहीं बना है तो चलो कपड़े तो धुल ही लिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैंने पहनी है साड़ी बहुत दिनों के बाद क्या, घर में मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे अब पसंद नहीं है साड़ी पहनना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू परमल की सब्ज़ी और ये मैंने ना नहाने से पहले ही काट के रख दिए थी, सब्ज़ी वगैरह काट के रख गई थी। और इसमें प्याज आलू परमल टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्च सारा मैंने सब कुछ काट के रख लिया था। और आज मैं बना रही हूँ थोड़े अलग तरीके से और ये देखो मेरी कढ़ाई भी जल गई है और कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ डाल लिया है मैंने सरसों का तेल और अब इसे गर्म होने देते हैं। तो यहाँ मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, हमारे ना जो पिसा हुआ धनिया होता है वो ख़त्म हो गया तो मैं बस वही देख रही थी तो और वही दिमाग में चल रहा था, कुछ और भी चल रहा था। तो मैंने ना हींग जीरा डाल दिया और अभी हींग जीरा मुझे नहीं डालना था, मुझे पहले परमल और आलू फ्राई करने थे। तो चलो कोई बात नहीं और बनेगी तो इसी ऑयल में सब्ज़ी। तो पहले ना फ्राई कर लेती हूँ मैं परमल और अब जीरा तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो चटक चुका है। तो यहाँ मैंने डाल दिए परमल और इन्हें फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। और फ्राई करके परमल की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे परमल फ्राई हो चुके हैं और मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ
और ऐसे मतलब अच्छे से निकालूंगी जैसे ऑयल इसके साथ ना आए, और फिर भी तब भी आ जाता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे परमल फ्राई हो गए हैं तो अब मैं डाल देती हूँ आलू, और आलू भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्योंकि उसमें जो मॉइस्चराइजर होता है ना अच्छे से वो एकदम अच्छे हो जाएंगे, और ब्राउन से कर लूँगी तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो हमने अपने आलू भी फ्राई कर लिए हैं और हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं, और अब मैं निकाल लेती हूँ इन्हें। और अब ये थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था तो इसमें मैंने और ऑयल ऐड कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ता, और बस अभी इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, और अब डाल देती हूँ प्याज, और ये थोड़ी थोड़ी देर में मतलब हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक मैं इन्हें भूनूंगी। तो यहाँ पे मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी तो अब मैं डाल देती हूँ लहसुन और अदरक, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, और मैंने बस ऐसे ही उसमें कूट के और डाल दिया है। और अब इसे ना थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे अदरक प्याज लहसुन ये सारे भुन चुके थे तो इसमें मैंने डाल दिए हरी मिर्च और इन्हें भी भून लूँगी, और ये भुन चुकी हैं तो इसमें डाल दिया है मैंने टमाटर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा टमाटर गल गया था हमारा, पक गया था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले, और मसाले में मैंने पिसा हुआ धनिया और हल्दी नमक थोड़ी सी लाल मिर्च इन्हें ऐड किया है, और अब थोड़ा सा इन्हें पकाती हूँ अच्छे से मिला के। और टमाटर हमारे पक जाएंगे तो फ्रेंड्स ये बताइए हमारी किचन आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आए थे हमारी किचन पे। तो फ्रेंड्स हमारा मसाला भुन ही चुका है और इसमें मैंने अभी ऐड किया है गरम मसाला। वैसे गरम मसाला सब्जी बनने के बाद डालते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे थोड़े से मसालों के साथ ना गरम मसाला भी भुन जाए तो काफ़ी स्वादिष्ट हो जाती है सब्जी। और यहाँ मेरा मसाला भुन चुका है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। तो मैंने परमल डाल दिए हैं इसमें और थोड़ा सा इन्हें अच्छे से मिलाऊंगी। तो आलू और परमल मैं दोनों मिला के अच्छे से फ्राई करूंगी पहले 2-4 मिनट। और यहाँ मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला ले रही हूँ, और वैसे भी मैंने फ्राई कर लिया था और मसाले के साथ मैंने और 2-4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं डाल देती हूँ इसमें पानी, और पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हो, और मुझे ना पतली सब्जी कम पसंद है और कढ़ाई में सब्जी तो एकदम थोड़ी सी थिक होनी चाहिए जैसे हमें रेस्टोरेंट वगैरह ढाबा वगैरह में मिलती है, तो वैसे ही। और यहाँ पे मैंने ढक दी है और इसे ना धीमी आंच पे ही पकाएं। तो फ्रेंड्स अब मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।